अगर आईन और कानून उन्हें इजाजत देता है तो उनकी अपनी मर्जी, वो 9 छोड़ के 90 सीटों से चाहे इलेक्शन लड़ें, इस पर मैं या आप तो कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। जो गुज़श्ता रोज़ मुशावरती इजलास हुआ, 9 हलकों से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, इस फैसले को वैसे आप कैसे देखते हैं? टाना साहब देखिए, इमरान खान साहब, एक जो है सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात उसके सरबराह हैं और इस वक्त उन्हें हैसियत भी एक मकबूल सियासी रहनुमा की हासिल है, तो ये उनका अपना फैसला है। अगर आईन और कानून उन्हें इजाज़त देता है तो उनकी अपनी मर्जी, वो 9 छोड़ के 90 सीटों से चाहे इलेक्शन लड़ें, इस पर मैं या आप तो कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछे तो फिर मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सियासी जो लीडर होते हैं, सियासी जो रहनुमा होते हैं, उन्हें मुल्क का भी एहसास होना चाहिए। और इमरान खान साहब वैसे तो मुल्क खजाने की बड़ी बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन ये 9 सीटों के इलेक्शन पे 50 से 90 करोड़ का खर्च आएगा। अब वो पहले भी वो बज़ाहिर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा पहले भी जो मियांवाली की सीट है उससे मंजूर नहीं हुआ। लिहाजा अगर वो ये 9 सीटों पे 9 की 9 पे भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर भी उन्हें उससे इस्तीफा वापिस दोबारा उन्हें 9 सीटें छोड़ना होंगी। तो ये क्या फिर उसमें दोबारा इलेक्शन होंगे, ये सारे मामला हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातें अपना फायदा सोचती हैं, हमारे सियासी रहनुमा अपना फायदा सोचते हैं, मुल्क कौम और रियासत पाकिस्तान के लिए माफ कीजिएगा काम ही सोचा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।